हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम अगेन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेके मैथ में भिन्नों का योग तथा घटो यानी कि एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। आइए, भिन्नों को हम कितने तरीके से बता सकते हैं, आज भिन्न में हम जानेंगे जोड़ एवं घटाव के बारे में। आइए, इसको कितने तरीके से बताते हैं, मेरे साथ प्लीज बने रहे और पूरी वीडियो देखे अंत तक देखे। अंदर प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे और पहली बार प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड, जैसे कि भिन्नों को कई प्रकार से बनाते हैं, तो पहला है समान आधार वाले भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ सेम बेस। तो जैसे कि यह भिन्न का जोड़ है और ये भिन्न का घटाव है। तो आइए, भिन्न के जोड़ को हम कितने तरीके से, दो तरीके से हम बताते हैं। जैसे अभी ये पूर्णांक में है, किसमें है, पूर्णांक। इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे, ये हुआ अंश, ये हर, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक अंश हर। तो क्या करेंगे, पूर्णांक और हर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और अंश को जोड़ेंगे। जैसे चार दुनी आठ, इसको गुना कर दिए मल्टीप्लाई, इसको प्लस, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह बटे यही चार प्लस। फिर ये पूर्णांक और हर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चार तिया बारह, इसमें एक प्लस करेंगे तेरह, तेरह बटे चार। ये अभी हम है सामान आधार वाले भी, हमारा सामान आधार है, ये दोनों का एलसीएम हो जाता है चार ही होगा। अब इसे इसमें डिवाइड कर भाग देंगे, एक निकला एक से गुना ग्यारह, ग्यारह प्लस एक ही तेरह, इस प्रकार हो जाएगा हमारा ग्यारह और तेरह टोटल हो गया चौबीस। कितने का फ्रेंड्स, चौबीस बटे चार, चार से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा छह आंसर होगा, यह हमारा आंसर हो गया। यह पहला विधि हो गया, यह हो गया पहली विधि। अब चलते हैं हम दूसरी विधि की ओर। दूसरी विधि में क्या करेंगे, जैसे ये पूर्णांक, पूर्णांक ले लेंगे, पूर्णांक टू प्लस थ्री प्लस, अभी हर ऊपर अंश वाले को थ्री प्लस वन बटे, दोनों में फोर है तो फोर बराबर थ्री प्लस टू, टू प्लस थ्री फाइव प्लस, यहाँ भी थ्री प्लस वन फोर बटे फोर, यहाँ फाइव प्लस, यहाँ चार से चार में डिवाइड करेंगे तो एक निकले प्लस वन, तो इक्वल टू सिक्स। यह हमारी दूसरी विधि हो गया। अब हम ये भिन्न का घटाव बनाएंगे यानी कि फ्रैक्शन। पहले हम इसको पहली विधि से बनाते हैं, पहली विधि, पहली विधि, पहली विधि में पहले पूर्णांक और हर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पांच या पंद्रह दो, ये हर अंश जुट जाएगा, पंद्रह दो सत्रह बटे पांच, माइनस पांच कम पांच, एक छह बटे पांच, दोनों को एलसीएम होगा फाइव, फाइव इंटू फाइव डिवाइड फाइव वन, वन इंटू सेवनटीन सेवनटीन, माइनस फाइव डिवाइड फाइव वन, वन इंटू सिक्स सिक्स, या माइनस सत्रह में सिक्स घटेगा यानी कि इलेवन बटे पांच, इसका आंसर होगा पांच दूनी दस, वन बटे फाइव, इनका आंसर हुआ। अब चलते हैं दूसरी विधि से। दूसरी विधि क्या करें फ्रेंड, पूर्णांक पूर्णांक एक जगह करेंगे, थ्री माइनस वन प्लस, अब ऊपर को क्या है अंश, टू माइनस वन बटे फाइव, फिर यहाँ थ्री में वन घटा टू प्लस, यहाँ वन बटे फाइव। अब क्या करना है, एलसीएम हुआ फाइव, मान लिया यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मान के चलेंगे नीचे में एक है, एक से फाइव में डिवाइड करेंगे फाइव, फाइव इंटू टू ये टू कितना होगा टेन प्लस वन, यानी वन, इसलिए फाइव डिवाइड फाइव करेंगे तो वन, वन इंटू वन बराबर एलेवन बटे फाइव, फिर इसको भागा देंगे तो डिवाइड करेंगे तो पांच दूनी दस, टू पूर्णांक वन बटे फाइव, आंसर हो गया। फ्रेंड्स, यह था हमारा समान आधार वाले फ्रैक्शन।